हेलो, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो समरी थी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे रीड आउट करना है थ्रू आउट द होल कोर्स में, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, कल के जो पॉइंट्स थे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल, सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए को तो हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हो चुका था हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट। अब इसके बाद में अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकल गया सी बाई ए, और मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकल गया रूट डी बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। इतने पॉइंट्स के बाद हमने ये और देखा था कि अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल होते हैं, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये हो गए इमेजिनरी, ठीक है। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल तो है, रियल है लेकिन अनइक्वल है, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमको ये ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमको यूज करने की जरूरत पड़े। 9 पॉइंट में आते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और इसी में अगर ये एक्स स्क्वायर मोनिक पॉलीनोमियल है प्लस सी इक्वल टू सिंपली एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो वो मोनिक क्वाड्रेटिक कहलाता है, ठीक है, मोनिक क्वाड्रेटिक। इतने पॉइंट्स हमने देख लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फाइन। अब इसके आगे के पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा, कल एक और पॉइंट देखा था, अगे जब अगर अपोजिट साइंस के रूट्स है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन के रूट्स होते हैं तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो होता है, ठीक है। और अगर रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइंस के होंगे तो इसकी कंडीशन होगी बी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी इक्वल टू जीरो होगी। कैसे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आते हैं, दोनों रूट्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। अब किसी और को भी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू आते हैं, दोनों रूट्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है। और ये इक्वेशंस को देखना, आप जब आप इक्वेशन को चेकआउट करते तो इसमें मिडिल टर्म जो बी एक्स वाला टर्म है वो नहीं है, ए एक्स स्क्वेयर वाला टर्म है, लास्ट में जो कांस्टेंट है सी वो टर्म है लेकिन बी नहीं है। तो इसका मतलब बी अगर जीरो हो जाता है तो रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। और रूट्स अगर अपोजिट साइंस के, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला है, तो अपोजिट साइंस के मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब ये कंडीशन बनेगी अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो, करेक्ट है, श्योरली ये कंडीशन बनेगी, अल्फा
पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव है, या बीटा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो हो जाएगी। और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट साइन के है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट साइन के है, तो सिंपली बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, 11 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और कंडीशंस मैं बताता हूँ। 11 हो चुके हैं, 12th कंडीशन में नोट कर लिए, नोट कर लीजिए एक बार और। एक कंडीशन और देखिए, 12th में बताता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव रूट्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव रूट्स होगी तो क्या कंडीशन होगी, कॉन्जिक्यूटिव रूट्स। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद में कुछ आपको स्मार्ट टेक्निक भी अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के प्रिपरेशन के लिए, जो जो स्किल चाहिए आपको जेई के प्रिपरेशन के लिए, जो बेसिक्स चाहिए जेई के प्रिपरेशन के लिए, वो सारा चीज़ इसमें मिलता है। अलजेब्रा भी है इसमें, कैलकुलस भी है इसमें, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, मतलब छोटे टॉपिक्स में बात करें तो इनइक्वालिटी भी है, मॉडुलस कॉन्सेप्ट भी आएगा, ग्राफ भी आएगा, ठीक है कि नहीं, पैराबोला भी आएगा, वर्टेक्स उसके साथ में, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करते हैं। फिर कुछ स्मार्ट टेक्निक्स भी आएगी। ठीक है, तो जैसे कॉन्जिक्यूटिव रूट्स की कंडीशंस क्या होगी, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू वन, ये कॉन्जिक्यूटिव रूट्स की कंडीशन होगी। कि रूट्स कॉन्जिक्यूटिव कब है, कॉन्जिक्यूटिव तभी होंगे ना जब उनका डिफरेंस वन है, करेक्ट। तो अगर मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन है तो इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव रूट्स होंगे, अदरवाइज ये कॉन्जिक्यूटिव रूट्स नहीं होंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 12 हो गए, नोट करते रहिए आगे और पढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। अब 13 पे बात करता हूं मैं, 12 के बाद 13 पॉइंट्स पे आता हूं। 13 पॉइंट्स में आप सिमेट्रिक नेचर की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो जैसे आपने ये अल्फा प्लस बीटा देखा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा देखा सी बाई ए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो है, ये मैंने अभी जनरल करके रखा हुआ है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अब अगर मान जाए मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, नंबर वन यूज करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप सीधा सम फार्मूले और प्रोडक्ट फार्मूले से, रूट्स का जो सम निकालने और प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है उससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसी में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा, और ये फिर से माइनस अल्फा, तो माइनस थ्री अल्फा बीटा, ये बन गया, ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला। मतलब यू आर अगेन फाइंडिंग द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विदाउट फाइंडिंग द अल्फा एंड बीटा। वंस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई यूजिंग दिस सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ द रूट्स, करेक्ट है कि नहीं। सो द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी में और एक और ऐसे आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, निकाल सकते हैं आप, करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक, तो ये हो गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो अभी क्या है, अल्फा और बीटा अलग अलग रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम है, श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बताया नहीं होगा। जो 13 के बाद 14, हाँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
डिवाइडेड बाई 2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप बोलते हैं, ठीक है, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या फिर श्री धराचार्य फॉर्मूला भी हम बोलते हैं, श्री धराचार्य फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे श्री धराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं और आगे बात करता हूं इसके बारे में, फोर्टींथ हो गया, ठीक है, फिफ्टींथ में आता हूं। फिफ्टींथ में क्या, अगर रूट्स है ना, इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन दे विल ऑकर इन पेयर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इवन इफ रूट्स आर इरेशनल देन दे विल ऑकर इन पेयर। अब इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, पेयर में आपको ढोरे, मतलब अगर रूट्स 2+√3 है, एक रूट, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2-√3 हो जाएगा, गॉट द पॉइंट, ये बात। अगर मान लीजिए 2+√3 एक रूट है, तो दूसरा रूट 2-√3 हो जाएगा, लाइक दैट। मतलब अगर रूट्स इमेजिनरी है तो वो पेयर में अकर्ड होंगे, अकर्ड होंगे पेयर में, मतलब एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो दूसरा जो रूट्स है वो z बार हो जाएगा, z कॉन्जुगेट हो जाएगा, गॉट द पॉइंट। इस प्रकार से तो जब भी इमेजिनरी रूट्स होंगे ना वो पेयर में आएंगे, उसी प्रकार से इरेशनल रूट्स भी होंगे ना वो भी पेयर में आएंगे, मतलब एक रूट अगर 2+√3 है तो दूसरा 2-√3 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट है। तो अब क्या करेगा, इसमें क्वेश्चन टेस्ट करने की कोशिश करेगा, आपको एक रूट दिया हुआ है और सीधा बोलेगा सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, करेक्ट है कि नहीं, तो आप दूसरे रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरे रूट्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि रूट्स अगर इमेजिनरी है तो पेयर में आएंगे, अगर इरेशनल है तो भी पेयर में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लीजिए, दिस इज पॉइंट नंबर 15, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 16 पे आता हूं, सिक्सटीन में क्या है कि आपको रेसिप्रोकल रूट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रेसिप्रोकल रूट्स कैसे होंगे, ax2+bx+c=0, इसके रूट अल्फा बीटा है। अब क्या करो, सी और ए को इंटरचेंज कर दो, सी और ए को इंटरचेंज किया मतलब सी एक्स स्क्वेयर हो गया, बी एक्स अपनी जगह है और ये a इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स ऑटोमेटिकली 1/α और 1/β हो गया। आप चेक कर लेंगे, ये सब मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ एक प्रकार से समरी है, ये सारे पॉइंट्स विद प्रॉब्लम्स वापस से डिस्कस होंगे, आपको ये पहले से ही मालूम हो जाना चाहिए। तो अब ये हो गया रेसिप्रोकल रूट्स का कॉन्सेप्ट, मतलब अगर इक्वेशन ax2+bx+c=0 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो a और c ने अपनी पोजीशन बदल दी, तो अब जो इक्वेशन आएगा उसके रूट्स डायरेक्टली 1/α और 1/β होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा 6=0, रूट्स क्या होते हैं 2 और 3, करेक्ट, फैक्टराइजेशन किया ना आपने, ये हो गया x-2 x-3=0, x=2 और x=3, ये दो रूट्स होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ, 6² - 5x+1=0, तो ये ऑटोमेटिकली रूट आ जाएंगे 1/2 और 1/3। अब आप चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, 6x² फैक्टराइज किया, हाँ, प्लस 6x - 5x है तो -3x - 2x, करेक्ट है, इसके फैक्टराइजेशन बराबर हो गए, +1=0, 3x बाहर ले लो, 2x - 1 बाहर ले लो, 2x - 1=0, 3x-1
और 2x-1=0, तो x=1/3 और x=1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। ये बहुत जनरल से कॉन्सेप्ट्स है जो आपको मालूम होते हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको क्या है कि अगर रिजल्ट्स मालूम है तो आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कैसा हो गया, रेसिप्रोकल रूट्स के कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट को ना आप एक जनरल सा टेंथ क्लास का कोई भी सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, जैसे मैंने अभी x²-5x+6=0 इसको तो आप बेस मान लो, x²-5x+6=0 को बेस मान लिया ना, तो यहाँ से सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। तो ये रेसिप्रोकल रूट्स का कॉन्सेप्ट, ए और सी ने अपनी पोजिशन रूट कर दिया तो इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इसके 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। नोटिस कौन सा पॉइंट हो गया, 16। 17 में बताता हूं मैं, 17 पॉइंट ये आइडेंटिटी हो जाएगी, अब इसके ज्यादा रूट्स होंगे। इज एन आइडेंटिटी इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, ये आइडेंटिटी होने की कंडीशन है, मतलब इट विल हैव मोर देन टू रूट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स होंगे, तो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स है, क्वाड्रेटिक इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसके जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, लेकिन उसके रूट्स दो नहीं आ रहे, दो से ज्यादा आ रहे, तो वो आइडेंटिटी हो जाती है। ये क्या कहलाती है, आइडेंटिटी की कंडीशन है। तो ax² + bx + c = 0 इज एन आइडेंटिटी इफ a=b=c=0, सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स थे वो सब जीरो हो जाएंगे। आपको पता है x + 1 का स्क्वायर x² + 2x + 1 है, ये आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है मतलब किसी भी, इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, कोई भी एक्स डाल दीजिए ये सेटिस्फाइड करेगा, करेक्ट है कि नहीं, इसलिए ये आइडेंटिटी है, मतलब दो से ज्यादा तो रूट्स होंगे ही होंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें x² + 2x + 1=0, तो अब ये क्या हो गया, ये एक्चुअली में इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो आइडेंटिटी है। तो ये एक बात थोड़ी तो समझने की बात है। तो अब कोई भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जब शुरू में मैंने बोला था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, देखो 1 रखा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखते यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है, -1 रखा तो 0, -1 रखा -1, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, और ये -2 फिर 0 हो गया, तो 1 और -1 तो सेटिस्फाइड कर ही रहे, है ना। अब मैं उसके आगे का रखता हूँ 3, 2 रखता हूँ, 2 रखा तो ये कितना हो गया, 2+1 मतलब 9, 4+1 5+4 9, तो अब आपने देख लिया कि इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अब इसके इक्वल 0 रखाना है, तो भाई ये देखिए, अगर ये x+1 का स्क्वायर 0 आ रहा है, तो x = -1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, सिंपली x = -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए x² + 2x + 1=0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, x = -1 ही इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। प्लीज फाइन, तो मैंने जैसे बोला है कि ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग और डिटेल्स में, पहले आपको मालूम हो जाए, इससे ये चैप्टर क्या हो जाएगा कि जो लेंदी है उससे ये आसान भी हो जाएगा और कम टाइम ले लेगा, ठीक है। ठीक है, अब आप इसी से एक बात करते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, d=0 होता है ना, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ डी जीरो आ जाएगा। डी कैसे जीरो आएगा, बी स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर ए सी, करेक्ट है, जीरो। तो जब डी जीरो होता है तो ये देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली में एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। मतलब ये अगर कोई एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो d इक्वल टू जीरो जो कंडीशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन होगी। ठीक है डियर, इसके बाद में हम बात करेंगे रैशनल रूट्स की। रैशनल रूट्स भी वही होते हैं, रैशनल रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ ए बी सी आर रैशनल, और दूसरा डी इक्वल टू जीरो। ए बी सी अगर इस प्रकार से कंडीशन है कि ए बी सी रैशनल है और डी जीरो है तब तो रूट्स हम बोलेंगे रैशनल है। तो रैशनल रूट्स की ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया। अब आते हैं हम इंटीजर रूट्स। रैशनल रूट्स के बाद में पॉइंट्स नंबर कितना था, आगे बढ़ गए हम लोग। इंटीग्रल रूट्स को कैसे करना है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एज इंटीजर एज रूट्स इफ नंबर वन ए इज इक्वल टू वन, नंबर टू बी सी आर इंटीजर्स एंड नंबर थ्री डी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हो जाएगी, a इक्वल टू वन, बी सी आर इंटीजर्स, डी इक्वल टू जीरो, नोट इट। तो देखो ए बी सी अगर रैशनल है और डी जीरो है तो डेफिनेटली रैशनल रूट्स आ जाएंगे। डी जीरो हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, और उसमें भी ए बी सी रैशनल होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन ये एक रैशनल है। लेकिन अब दूसरी कंडीशंस के साथ में भी, अब जैसे क्या हो जाता है कि आपके इंटीजर्स की बात की है, तो इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो फिर इंटीजर्स में वन बाई टू वन बाई थ्री ऐसे नहीं आएंगे, है ना, तो इसलिए इससे डिफर करता है। तो इंटीजर रूट्स होने के लिए आपको इस कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए कि ए वन हो जाए और बी और सी इंटीजर हो जाए और डी जीरो हो जाए, तब तो जाके ये रूट्स आपके इंटीजर्स आएंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। और एक और कुछ खास बात बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन वन ऑफ द रूट इज ऑलवेज वन, ये हमेशा वन होगा, एंड अदर रूट इज सी बाई ए, ये होगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो बना, जैसे मैं बताता हूँ सेवन एक्स स्क्वायर नाइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, देखो सेवन माइनस नाइन प्लस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक्स तो वन ही आएगा और दूसरा एक्स सीधा टू बाई सेवन आ जाएगा, टू बाई सेवन लिख लीजिए। और अब आप फैक्टराइज करके भी देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि बड़ा बड़ा चीज मैंने कर सकता है, जैसे 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 1002x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तब भी आपको जैसे बड़ा नंबर दिखता है तो आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ऐसा नहीं है। आप अगर 1000 प्लस 2 और ये माइनस 1002 को अगर ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एक रूट तो वन हो गया, वन सेटिस्फाइड करेगा इसको, तो x इक्वल टू वन एक रूट हो जाएगा और x इक्वल टू 2 अपॉन 1000 ये दूसरा रूट हो जाएगा, मतलब 1/500 ये इसका दूसरा रूट हो जाएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो वन ऑफ द रूट इज ऑलवेज वन एंड द अदर रूट इज सी बाई ए, प्लीज नोट इट।
ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब मैं ग्राफ के ऊपर आता हूँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर खत्म करता हूँ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो अब यहाँ पे इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला। अब जैसे ही पैराबोला में आ गया तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और अगर दूसरा इफ ए लेस देन जीरो होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कभी इसका ग्राफ बनाया था लोअर क्लासेस में? इसका जब आप लोअर क्लासेस में ग्राफ बनाया था तो ये ऐसा बना था। और आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार का होगा। इसको रिवर्स कर देंगे, करेक्ट है कि नहीं, इसको रिवर्स कर देंगे। तो जैसे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट -1 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट +1 है मतलब ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड पैराबोला है, करेक्ट है। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए। ए के बारे में बात हो गई, ए से डिसाइड करेंगे इसका शेप कैसा होगा, मतलब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। ये दो प्रकार के होंगे, अपवर्ड हो गए डाउनवर्ड हो गए। अब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, टोटल 6 शेप होंगे। तो पहला कंडीशन पे आता हूँ, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है तो आपका जो शेप होगा ना, देखो ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड होगा और डी इक्वल टू जीरो है मतलब रूट्स इक्वल है, मतलब एक ही रूट्स है, तो ये समथिंग लाइक ऐसा शेप होगा, ठीक है। ये हो गया, ओके फाइन। दूसरे में आते हैं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब रूट्स अनइक्वल है, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, तो ये ए ग्रेटर देन जीरो होने से शेप ऐसा होगा और ये दो रूट्स मिल जाएंगे अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तीसरा कंडीशन में आते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो लेकिन डी लेस देन जीरो है। अब डी लेस देन जीरो है मतलब रूट्स इमेजनरी है, इमेजनरी है मतलब रियल नहीं है, तो अब इसका शेप कैसा होगा वो इंटरेस्टिंग। ए ग्रेटर देन जीरो होने से शेप तो ऐसे ही होगा और ये अबो एक्स एक्सिस होगा, अबो एक्स एक्सिस, क्योंकि रूट्स इमेजनरी है मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि नो रियल एक्स। तो इसका मतलब ये ग्राफ अबो एक्स एक्सिस होगा और ए ग्रेटर देन जीरो होने से ये अपवर्ड है और अपवर्ड होने से ये ग्राफ अबो होगा, करेक्ट है कि नहीं। अगर आप इसको ऐसे नीचे तक लेके आएंगे तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, तो फिर डी लेस देन जीरो है ना, रूट्स आर इमेजनरी, ये नहीं हो सकता। और ऐसा वाला शेप अभी नहीं हो सकता क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, करेक्ट, फाइन। तो अब जैसे ए ग्रेटर देन जीरो के लिए आपने डी की तीनों कंडीशंस लगा दी और ये 3 शेप्स निकाले, वैसे ही 3 शेप्स और निकलेंगे जब ए लेस देन जीरो होंगे। तो फोर्थ पॉइंट बात है, ए लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो गया कि शेप भर आपका बदल गया है, शेप बदल गया है अगर ये एक ही बार टच करेगा डी इक्वल टू जीरो होने से, ठीक है। साहब फिफ्थ में आ जाते हैं, अगर ए लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है तो डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स तो है, दोनों अनइक्वल रूट्स है, बस शेप इस बार क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। और सिक्स में आ जाते हैं, इफ ए इज लेस देन जीरो और डी इज लेस देन जीरो। तो देखो अब क्या हो गया, डी लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स है, इमेजनरी रूट्स है, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक्स की वैल्यूज निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक, अगर एक्स में है तो एक्स को कट नहीं कर रहा है, एक्स को कट नहीं कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यूज नहीं है, ये एक्स की वैल्यूज है, ये रूट्स है, ये रूट्स है, ये रूट्स है, एक ही रूट्स है, इक्वल रूट्स है, एक ही रूट्स है, इक्वल रूट्स है, नो रूट्स, नो रूट्स, इमेजनरी रूट्स है, रियल एक्स नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे ये शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बेसिक शेप से स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे कंडीशंस मालूम होना चाहिए। फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज। और फिर अब ये कहता है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो जाता है, ये वर्टेक्स हो जाता है, ये वर्टेक्स हो जाता है,
ये वर्टेक्स रहता है, ये वर्टेक्स रहता है, तो कोई भी शेप हो जो वर्टेक्स होगा ना, वो वर्टेक्स कैसे दिया जाएगा, वर्टेक्स दिया जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, इससे वर्टेक्स दिया जाएगा। प्लीज नोट इट, वर्टेक्स निकालने का ये तरीका माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो अब आप वर्टेक्स को अगर देखेंगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। अगर ये वाला है तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, मतलब जब आपका अपवर्ड पैराबोला है तो फिर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कौन देगा, ये वर्टेक्स देगा। मिनिमम वैल्यू मतलब ये हो जाएगा। अब इसको रीड आउट करना है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि आप पहले नोट कर लीजिए, जब हम प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इसमें डिटेल्स में जाएंगे। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू किस पे मिलती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये तो एक्स होगा ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई वैल्यूज है, तो इस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये वाई सबसे कम होगा, और इस वाले सेट में मैक्सिमम मिलेगा, इस वाले सेट में मैक्सिमम मिलेगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, बस ये डिपेंड करेंगे शेप के ऊपर। चाहे कोई भी शेप हो, जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले से निकालिए। तो ये मिनिमम वैल्यू भी होगा और मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, कब, वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा, करेक्ट है कि नहीं। ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ए लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ए लेस देन जीरो, मिनिमम वैल्यू व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट। नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स को। तो मैंने आज इतना सारा चीज़ इसमें बता दिया है, दोनों लेक्चर्स मैंने बोला है कि आपको एकदम बिल्कुल समरी के रूप में कंसीडर करना है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, अब फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है, ये बहुत जनरल सा है। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बस आप अपना कॉमन सेंस लगा के इन सारे क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, जबकि अभी हमको 10 से 12 15 लेक्चर्स और डिस्कस करना इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेते हुए, करेक्ट है कि नहीं।